नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने ज्योतिष चैनल में और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सभी कामों की उन्नति और प्रगति के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर सबका भला करे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 2020 में आपका साथ बना रहा, आपके सुझाव मुझे मिलते रहे। इस वर्ष भी मैं आशा करती हूँ आप इसी तरह मेरे साथ जुड़ते रहें और अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहें, अपने सुझाव मुझे देते रहें ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, आप मेरे से क्लासेस ले सकते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ और कंसल्टेंसी भी देती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है अभिजीत मुहूर्त और साथ ही अभिजीत नक्षत्र के लिए, क्योंकि एक बहुत ही शुभता का कार्य 1 जनवरी से शुरू हो चुका है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो कि हम सब जानते हैं, अभिजीत नक्षत्र जो है वह बहुत ही शुभ नक्षत्र है जो इस वक्त शनि और गुरु हमारे इसी नक्षत्र में विराजमान है। तो मैं आपको सबसे पहले अभिजीत नक्षत्र के बारे में बताती हूँ कि यह नक्षत्र है क्या। ज्योतिष शास्त्र में समस्त आकाश मंडल को 27 भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग का नाम एक एक नक्षत्र पर रखा गया है और इसको और बारीकी से समझने के लिए हर नक्षत्र के 4-4 भाग किए गए हैं, यानी उन्हें 4 चरणों में बांटा गया है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है और 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण। तो अभिजीत नक्षत्र को 28वां नक्षत्र माना गया है और इसके स्वामी ब्रह्मा को कहा गया है। अभिजीत नक्षत्र केवल 4 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड का होता है। इसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में स्थान मिला है। इसका कुछ भाग श्रवण नक्षत्र के भीतर भी आता है। यह नक्षत्र मकर राशि के 6 डिग्री 40 मिनट और 10 सेकंड से 10 डिग्री 53 मिनट और 20 सेकंड तक का होता है। यह तारा मकर संक्रांति के उपरांत 20 जनवरी को पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है। इस नक्षत्र का वास्तविक अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। अभिजीत का प्रयोग श्री विष्णु के लिए किया जाता है, श्री विष्णु भगवान जी के लिए। अभी प्लस जित, इन दोनों के योग से बना है अभिजित, जिसका मूलतः अर्थ ही है पूर्ण विजय। यह विष्णु की भांति धर्म की रक्षा करने वाला, जातक का पालन पोषण करने वाला और सर्व गुण संपन्न बनाने वाला नक्षत्र है। अभिजित का अर्थ ही अपराजय और अजय या सदा विजय एवं निर्णायक विजय कहा जाता है, यानी आपको पूरी तरीके से शुभता ही शुभता देने वाला यह अभिजीत नक्षत्र होता है। अब अभिजीत मुहूर्त के बारे में भी जान ले, जो कि हिंदू मान्यता के अनुसार हमारा पूरा दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, अगले सूर्योदय तक, फिर कुल 30 मुहूर्तों में विभक्त है, जिनमें से 15 सूर्योदय से लेकर 15 सूर्यास्त और 15 सूर्यास्त से लेकर 15 सूर्योदय तक के 15 हमें सूर्यास्त मिलते हैं। इन 30 मुहूर्तों में कुछ शुभ कर्मों के लिए लिए जाते हैं और कुछ शुभ कर्मों के लिए वर्जित समय होता है। अभिजीत मुहूर्त इन सभी मुहूर्तों में अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन के मध्याह्न से करीब
24 मिनट पहले प्रारंभ होकर मध्याह्न के 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है, यानी दोपहर जो 12 बजे का समय होता है उसी के अंतराल यह अभिजीत मुहूर्त निकाला जाता है, जो समय के सूर्योदय से दोपहर का अंतराल लिया जाता है। अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन के मध्याह्न के करीब 24 मिनट पहले प्रारंभ होता है और मध्याह्न जब खत्म होने वाला है तो उसके 24 मिनट बाद समाप्त हो जाता है। यदि सूर्योदय ठीक 6 बजे हो तो दोपहर 12 बजे से ठीक 24 मिनट पहले प्रारंभ होकर यह 12 बज के 24 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि अभिजीत मुहूर्त का वास्तविक समय जो सूर्योदय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, यानी यदि आज 12 बज के 5 मिनट है तो कल 12 बज के 6 मिनट हो सकता है और दो तीन दिन बाद 12 बजकर 7 मिनट, 12 बजकर 8 मिनट, इसी तरीके से प्रत्येक दिन उसका एक एक मिनट आगे होता चला जाएगा। अब जो शुभ बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चौथे चरण में अभिजीत को स्थान मिला है और अभिजीत नक्षत्र का कुछ भाग श्रवण के नक्षत्र के क्षेत्र में भी आता है। तो दोस्तों हमारा ये जो कुंडली मैंने 1 जनवरी 2021 की डाली है, इसमें देखें शनि मकर राशि में 7 डिग्री 31 मिनट और जुपिटर 8 डिग्री 43 मिनट उत्तराषाढ़ नक्षत्र। अब हमारा अभिजीत नक्षत्र 6 डिग्री 40 मिनट से 10 सेकंड तक और 10 डिग्री 10 53 मिनट और 20 सेकंड तक इसी में रहेगा, यानी मकर राशि के शनि और गुरु हमारे अभिजीत नक्षत्र में विराजमान होंगे और 14 जनवरी 2021 में जुपिटर हमारा श्रवण नक्षत्र की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट उसका तभी भी अभिजीत नक्षत्र में रहेगा। यानी आपके पास 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से 14 तारीख तक अभिजीत नक्षत्र मिल रहा है आपको शनि और गुरु के नक्षत्रों में, ग्रहों में। अब शनि और बृहस्पति जो अभिजीत नक्षत्र में है उसमें शनि कर्म का ग्रह, कर्माधिकारी शनि आपको नए काम की परियोजना शुरू करने की अपार शक्ति देगा, क्योंकि वो मकर राशि में भी है, कर्माधिकारी भी है। यदि आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इन दिनों कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ समय होगा। जो गुरु नीच राजभंग योग में होने से पूर्णतया शुभता और सफलता भी देगा। हमने पहले ही बोला है अभिजीत नक्षत्र का अर्थ ही है पूर्णतया विजय, और ब्रह्मा जिनके स्वामी हैं, आपको गुरु जो हर कार्य में शुभता देते हैं, शनि जो आपके कर्म के दाता हैं, वह इस समय कर्माधिकारी कर्म भाव में बैठ के आपको शुभता दे रहे हैं अभिजीत नक्षत्र में आके। अभिजीत नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त 12:05 से शुरू होकर 12:46 तक यह समय आपको मिल रहा है किसी भी कार्य की शुभता के लिए। आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य, कोई नया शुभ काम, किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन दिनों 1 जनवरी से 14 जनवरी तक दोपहर 12 बजे 12:05 से 12:46 तक यह समय आपको बहुत ही शुभता वाला मिल रहा है। अब दोस्तों मैंने आपको बोला है कि डेली आपका 1 मिनट, क्योंकि सूर्योदय हमारा रोजाना अपनी डिग्री को, सूर्योदय के समय को आगे बढ़ाता जाएगा, इसलिए आप रोजाना 12:05 से तो दूसरे दिन 12:06 कीजिए
और 12:46 से 12:47 उससे अगले दिन 3 तारीख को 12:07 कीजिए और 47 से 12:48 यानी आप रोजाना 1 मिनट आगे करते जाएंगे तो आपको अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय भी मिल जाएगा जो कि मध्याह्न का समय होगा क्योंकि यह सूर्योदय से लिया जाता है। तो आप सबके लिए इस शुभ कामना के साथ कि सभी के कार्य पूर्ण रूप से शुभता से शुरू होकर आपको विजयी बनाए, आपके कार्यों में आपको पूर्णता मिले, इसी शुभकामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आपको कोई कुंडली दिखानी हो और आपको मेरे से कंसल्टेंसी लेने के साथ साथ क्लास भी लेनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहे। मेरा नंबर आप सबको मालूम है 9811942840। थैंक यू सो मच।